अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर शहर के तमाम वार्डों में स्ट्रीट लाइट खराब होने और नई लाइटें न लगाए जाने से नाराज पार्षदों ने निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों की नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से इस दौरान तीखी बहस भी हुई। पार्षदों ने उन्हें तांत्रिक और जादूगर की उपाधि भी दे डाली और कहा कि चिकनी चुपड़ी बातें कर मेयर और आयुक्त जनता को छल रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि बंद कमरे में चार लोगों के साथ मोमोस चाउमीन खाते हुए बैठक पूरी कर ली जाती है, शहर की स्थिति का आकलन भी कर लिया जाता है और कार्यदायी संस्था से काम का स्तर जाने बगैर उसके तमाम बिल पास कर दिए जाते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सी बात यह है कि नगर निगम ने ये काम भारत सरकार की पीएसयू ईएसएल को दिया हुआ है जी। कमीशन खोरी जैसा कोई विषय हो ही नहीं सकता। एक वर्किंग एजेंसी जो पूरे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है और हम उसको त्रैमासिक रूप में फंडिंग करते हैं, उनके ऑनलाइन बिल आते हैं, ऑनलाइन उनका पेमेंट जाता है और जहां पर उनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो समस्याएं हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। चाय पीने के आए थे, जैसा पंकज उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कोई स्ट्रीट लाइटें खराब नहीं हो रही, इन्होंने भी कहा ये एक नंबर की झूठी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बातों में भगाते हैं अपनी, धरातल में कोई काम नहीं हो रहा, खाली कागजों में काम हो रहा है। 500 स्ट्रीट लाइट आई, 400 लग गई, 100 बची। हकीकत में यह है, आप ये देख लीजिए, ये शहर हल्द्वानी शहर की सरकार है, ये लोग खड़े हुए हैं, हल्द्वानी शहर की सरकार है, इनके वजह से ये लोगों को तनख्वाह मिल रही है और ये लोग काम चोरी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं इस बोर्ड बैठक से तो परेशान आ गई हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले जो दो बैठकें हुई थी वो मैंने अटेंड नहीं करी है क्योंकि इनकी कार्रवाई बड़ी ही वो है, सुनते हैं नहीं। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पास आती है अगर स्ट्रीट लाइट से लेके कोई भी परेशानी, नाले से लेके सफाई से लेके, पहले इनकी सबसे पहले सफाई कर्मचारी की इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तभी भी हमने धरना दिया था। दूसरा, हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होते रह रही है, जब तक कर्मचारी फोन नहीं उठाता है, कर्मचारी फोन करने पर, ठेकेदार के फोन करने पे कर्मचारी वहाँ आते हैं, कुछ लाइटें लगाते हैं पर लेकिन जो लाइटें थोड़ी कहते भी खत्म हो गई है। वार्ड में इतनी ज्यादा स्ट्रीट लाइटें खराब हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ ऐसा लगता है कि हम जो पार्षद बने हैं कि स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए बने हैं और यहाँ पर ऑनलाइन अभी भी यहाँ मैडम बैठी हुई है, इनको महीना भर हो गया हमने ऑनलाइन डाले हुए, यहाँ पर कोई अपडेट लेने को तैयार नहीं है और अगर इनके विभाग से किसी का फोन भी आता है तो वो पार्षद को पहचानने को राजी नहीं है। दूसरी बात, मैंने जब ये बंदा आया, मैंने अपने वार्ड में घुमाया, मैंने कहा देख ले भाई ये स्विच यहाँ लगवा दो, ये स्विच की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ स्विच नहीं है, अगर वो खंबे से टच हो जाए तो जान माल का पूरा खतरा है। पर तो भी एक बंदक चिपक गई थी।